14 तारीख को सर्व पितृ अमावस्या है और उसी दिन पड़ने जा रहा है सूर्य ग्रहण। इस बार का सूर्य ग्रहण कई वर्षों बाद अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। हालांकि सूर्य ग्रहण रात को लग रहा है, पर फिर भी कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है तो कहीं ना कहीं देश दुनिया या हमारे और आपके जीवन पर इसका असर ज़रूर पड़ता है। कहीं ना कहीं ये अमावस्या जो पितृ सर्व पितृ अमावस्या है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी भारी रह सकती है। आपको कहीं ना कहीं अपने घर की नेगेटिविटी उतारने की बहुत ज़रूरत है और इस दिन हम पितरों को विदा कर रहे हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक ज़रूर जलाएं। आटे का दीपक जलाना सर्व पितृ अमावस्या पर कहा जाता है कि पितरों को हम जिस प्रकार आमंत्रित करते हैं अपने घर पर भोजन के लिए, उसी प्रकार हमें उनको जल के साथ और अग्नि के साथ यानी कि एक दिया जलाकर उनको विदा भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बराबर बनी रहती है और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता रहता है। जिस दिन अमावस्या है उस दिन आपको पितरों को विदा तो कर रहे ही हैं, साथ ही साथ आप अगर नवरात्रों का अगले दिन से नवरात्रे हैं, कोई भी सामान रात्रि के समय या रात के समय ना खरीदें। आपको जो भी खरीदारी करनी है वो आप दिन के समय खरीद लें, ताकि जैसे कहते हैं ना, ग्रहण के समय आपका कोई सामान ना हो। वैसे तो इस ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं है और भारत पर ये दिखाई भी नहीं दे रहा, तो इसका सूतक काल भी नहीं लगेगा। परंतु अगर आप कोई सामान खरीद ही रहे हैं तो विधि विधान से हम ग्रहण काल के समय नहीं खरीदना चाहिए। इतनी सी मेरी ये जानकारी आप सब लोगों के लिए। आपके लिए ये नवरात्रे आने वाले खुशियों से भरे हों। धन्यवाद। मैं हूँ रूपावधि राजा।